हेलो फ्रेंड्स, आ गया जुलाई का महीना। इस महीने बहुत धमाके धमाकेदार फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं, तो इस महीने मैं कुछ कुछ फ़ोन्स आपको परचेज़ करके दिखा दूंगा। वीडियोस तो नहीं देखा, पर उसके कंपैरिजन वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो इस वीडियो में मैं टॉप 5 फ़ोन्स लेके बारे बात करूँगा। तो टॉप 5 फ़ोन्स, जैसे कि बहुत बहुत कंपनीज है, मुझे जो जो पसंद आए उस टॉप 5 लिस्ट में रखा हूँ मैं। तो वीडियो बनाने का तो मैं शुरू करता हूँ, तो लेट्स बिगिन। तो इस लिस्ट में मेरा पहला फ़ोन है वीवो की तरफ से, वीवो का Z71 Pro। वीवो Z71 बहुत ऑल इन वन फ़ोन्स लॉन्च हुआ है वीवो की तरफ से। इस बार तो वीवो ने अपने बजट को ही बहुत कम रखा है। इस फ़ोन में आपको मिल जाता है 6.53 इंच का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले और 4GB के रैम, 64GB की रोम के साथ। और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर मिल जाता है, जो इंडिया में फर्स्ट फ़ोन आ रहा है इस प्रोसेसर के साथ। वीवो का फ़ोन ये 11 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, बहुत कम है। पबजी लोग खेलते हैं, गेमिंग लोगों के लिए बहुत मस्त है। और इस फोन में आपको बैटरी मिल जाते हैं 5000 mAh का, जो 18 वाट का फर्स्ट चार्जिंग के साथ आता है। चलिए हमारा नेक्स्ट लिस्ट में सेकेंड फ़ोन में आता है सैमसंग की तरफ के A70 का प्रोसेसर A80। इस बार A80 बहुत यूनिक स्टाइल में आता है, जिसमें आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाएगा, नो पंचुअल कैमरा, नो पॉप अप। इसमें आपको रोटेटिंग कैमरा मिल जाता है। जी हाँ, इसमें रोटेटिंग कैमरा सैमसंग की तरफ से दिया गया है। बहुत मस्त, देख के एक्साइटिंग लग रहा है मुझे। और इसमें आपको स्पेसिफिकेशन बता देते हो, 6.5 इंच का एमोलेड स्क्रीन मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट तो जरूर देगा सैमसंग अपना, और 48 MP कैमरा आएगा ये पता है। उसे तो नहीं पता था सोनी का IMX586 देगा ना सैमसंग G1। सैमसंग इस बार शायद सोनी का दे सकता है। बैटरी मुझे 3700 mAh का बैटरी मिलेगा, वही सैमसंग का 25 वाट 18 वाट का चार्जिंग फर्स्ट चार्जिंग दे देगा। तो जब आएगा मैं उसे आपको संग जरूर बताऊंगा। ये फ़ोन शायद जुलाई के सेकेंड वीक तक लॉन्च हो जाएगा मुझे। दोस्तों हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है CC9 और CC9E। ये फ़ोन तो चाइना में लॉन्च होगा, तो इस फ़ोन में स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ आपको। फ़ोन में 3 कैमरास मिल जाएंगे, 48 तो जरूर मिलेगा, साथ में 32 MP सेल्फी मिल जाएगा, पॉपअप होगा ना पंचोल ये तो मुझे पता नहीं, चाइना में लॉन्च होगा। कलरफुल फोन होगा, स्ट्रॉन्ग यूनिट के साथ आएगा, बैटरी शायद थोक कम मिल सकता है। इंडिया में शायद A3 के नाम से आ भी सकता है, पता नहीं A3 के नाम से आएगा क्या। ये फ़ोन चाइना में तो लॉन्च होगा, मिड जुलाई के अंदर ही आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग फोर्थ फोन को। फोर्थ फोन हम लोग का है फोन ऑफ द ईयर रेडमी की तरफ से, Redmi K20 Pro। जी हाँ, Redmi K20 Pro हम लोग का फोन ऑफ द ईयर हो सकता है शायद। इसके स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसे बता रहा है, जिसमें स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है वर्ल्ड फर्स्टेस्ट फोन, टीजर बता रहा है ये पता नहीं। वेलकम स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर के साथ आता है। रैम में 3 वेरिएंट मिल जाएंगे आपको, 4GB 6GB 8GB साइज मिल सकता है, और रोम आपको 128GB और 256GB मिल जाएंगे। बैटरी आपको मिनिमम 4000 mAh का मिल जाएंगे। डिस्प्ले 6.39 इंच का फुल एच डिस्प्ले हो सकता है। ये डिस्प्ले शायद एमोलेड हो, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दे भी सकता है, सामी का पता नहीं क्या करेगा, इन डिस्प्ले हो भी सकता है। बहुत अच्छा ठीक ठाक फोन होगा, जब आएगा तो मैं इसे कंपैरिजन वीडियो आपको जरूर दिखा दूंगा। और हमारे लिस्ट में 5 नंबर में आते हैं Redmi K20 Pro का छोटा भाई Redmi K20। एक मीडियम रेंज का फ़ोन हो सकता है, अराउंड 14,000-15,000 में आ सकता है। ये फ़ोन में शायद कुछ स्पेक देख लेते हैं। फ़ोन के स्पेसिफिकेशन 3 कैमरास होते हैं, 48 है, और फ्रंट में 20 MP, रियर में से 3 होंगे, 48 और 13 और 8 MP कैमरा। 8 MP शायद आपको बोके शॉट वाइड एंगल सामने प्रोडक्ट करेगा, और 4000 mAh का बैटरी मिलेगा, स्नैपड्रैगन का 730G न्यू प्रोसेसर मिल जाएगा, 6.39K प्लस डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट साइज इसमें नहीं आ सकता है, पता नहीं सैमसंग नहीं दे तो अच्छा है। इसमें जनरेशन बहुत ख़राब दे सकता है, सामी जनरेशन बहुत पुराना मिल जाएगा। तो मिड जुलाई के अंदर आएगा, अराउंड 20,000 के अंदर फोन है, बहुत अच्छा फोन होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।